नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉर्ट फार्मूला डॉट कॉम में आपका स्वागत है और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपसे एक इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करूंगा जो आज मेरे साथ हुआ। मैं सुबह किसी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा था और रेलवे स्टेशन पहुंचना था मुझे, थोड़ी सी जल्दी थी और मैं घर से निकलने में मुझे लेट हो गया। तो जब मैं जा रहा था तो रास्ते में मुझे जाम दिखा, जो मेन रोड थी वो जाम थी और कुछ गाड़ियां वापस आ रही थी, तो दूर से मुझे देखने में ऐसा लगा कि वो काफ़ी लंबा जाम है। लेकिन फिर भी चूंकि जाना ज़रूरी था तो मैं उस रास्ते पर निकल गया, आगे गया। मेरे मन में शंका था, संशय था कि ऐसा ना हो कि मैं उस जाम में फंस जाऊँ और जिनको जाना है उनकी ट्रेन मिस हो जाए। मैं उस रास्ते पे गया, चला, मैंने देखा कि उस रास्ते पे जिस पे मैं गया भरोसा करके कि यार ये इतना लंबा जाम नहीं होगा जितना लंबा दिख रहा है, हो सकता है कि थोड़ा आगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि एक रोड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसी वजह से मुझे लगा कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई गाड़ी वाड़ी फंस गई होगी या रुक गई होगी, जिसकी वजह से ये पूरा पैसेज जो है वो स्लोअर मूवमेंट में या ब्लॉक हो गया है। तो मैंने देखा कि वहाँ से कुछ गाड़ियाँ घूम के एक बगल से एक रास्ता है, वो काफ़ी छोटा रास्ता है और तेजी से उस पर गाड़ियाँ जा रही हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी घुमाई और उस छोटे वाले रास्ते पे उस पर चलना शुरू कर दिया। आगे जाके मैं क्या देखता हूँ कि वो जो रास्ता, जो छोटा रास्ता, संकरा रास्ता था, वो उबड़ खाबड़ा रास्ता था और वहाँ पर आगे जाके सारी गाड़ियाँ रुक गई और जो बगल वाला रास्ता जिससे मैं जा रहा था वहाँ से गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई। तो फिर मैं बहुत घबरा गया, मुझे लगा यार मैं जिस रास्ते पे था वो रास्ता ठीक था, मुझे उसी पर बने रहना चाहिए था। अब मैंने उस पर जाने की कोशिश करी लेकिन मेरे आगे भी गाड़ियां थी, पीछे भी गाड़ियां थी और मैं वहां पर नहीं जा पाया। और वो जो गाड़ियां मेरे पीछे थी, जो उस रास्ते पर लगी रही, डटी रही, वहीं पर रही, वो आगे निकल गई और मैं वहीं उनको जाता हुआ देखता रहा। उसके बाद जिस रास्ते पे मैं था वो भी धीरे 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 रास्ता चलना शुरू हो गया और अल्टीमेटली हम स्टेशन टाइम से 5 या 7 मिनट पहले पहुंच गए। अब दोस्तों, इस इंसिडेंट से एक चीज़ मैंने सीखी, ऐसा लगा मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। पता नहीं आप लोगों को ये कितना पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे इससे एक सीखने के लिए मिला कि पहले तो रास्ता जो है वो बहुत सोच समझ के हमें चुनना चाहिए। उसके बाद जब हम किसी रास्ते को चुनते हैं तो हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, हमें उसे समय देना चाहिए। कई बार 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 रास्तों को बदलने से मंजिल जो है वो जल्दी नहीं मिलती, बल्कि हो सकता है कि जो हमारे पीछे हों, जिन्होंने उस रास्ते के साथ जो स्टिक करें और वो हमसे आगे चले जाएं। और जनरली 10% 15% केसेस अगर छोड़ दिए जाएं तो जनरली होता है जब आप किसी चीज के साथ स्टिक करते हैं, उसको समय देते हैं, तो वहां से पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव जो कंक्लूजन है या पॉजिटिव आउटकम मिलने की उम्मीदें रहती हैं। तो वही होता है, मेरा कहना है कि पहले रास्ता बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए और जब हम उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हमें रास्ता नहीं बदलना चाहिए। यही चीज़ मार्केट में है, यही चीज़ ज़िंदगी में है। बहुत सोच समझ के अपने टीचर को, मेंटर को चुनिए, लेकिन जब आप उनको चुनते हैं, जब आप उनके साथ जुड़ते हैं तो उनको समय दीजिए आपको साथ में लेकर आगे बढ़ने का। नहीं तो अगर बार बार आप अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करेंगे, अपने जो अपना तरीका बदलेंगे या अपने मेंटर को बदलेंगे या टीचर को बदलेंगे, तो हो सकता है कि सक्सेस की जगह आप उसमें नुकसान कर बैठें। जहां आपको जल्दी पहुंचना चाहिए था, हो सकता है कि चीज़ों को बदलने की वजह से वहां पर आपको पहुंचने में समय लग जाए। तो हमेशा ये चीज़ फिर से मैं बोलूँगा, इससे हमें यही सीख मिलती है कि बार बार हमें रास्ते नहीं बदलने चाहिए, बार बार हमें चीज़ों से इससे उस पर, उससे उस पर नहीं जाना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फोकस्ड रहें, हम एक चीज़ पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और उसको समय दें मटीरियलाइज होने का, ना कि हम ए से बी से और बी से सी पे जंप करते रहें, पता चला ना ए मिला, ना सी मिला, ना बी मिला, लास्ट में हम खाली हाथ रह गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। एक छोटा सा मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।